त्वाम तुम सप्त तंतुन सात प्रकार के वैदिक अनुष्ठान, जिसमें पहला है अग्निष्टोम यज्ञ। वितनों से फैलाते हो तनवा अपने शरीर से त्रया तीन वेद चतुहोत्र चार प्रकार के पुरोहित, जो होता अधर्वी ब्रह्मा और उद्गाता कहलाते हैं। विद्या आवश्यक ज्ञान द्वारा च भी त्वम तुम एक एक आत्मा परमात्मा आत्मवता सारे जीवों का अनादि आदि रहित अनंत पार अंतहीन कवि परम प्रेरक अंत आत्मा हृदय के भीतर स्थिर परमात्मा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, हे प्रभु, आप साक्षात वेदों के रूप में तथा समस्त जाज्ञिक ब्राह्मणों के कार्यकलापों से संबंधित ज्ञान के द्वारा अग्निष्टोम इत्यादि सात प्रकार के यज्ञों के वैदिक अनुष्ठानों का प्रसार करते हैं। निसंदेह आप याज्ञिक ब्राह्मणों को तीनों वेदों में उल्लिखित अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। समस्त जीवों की अंतरात्मा होने के कारण आप आदि रहित अंत रहित तथा सर्वज्ञ हैं। आप काल तथा देश की सीमाओं के परे हैं। तात्पर्य, वैदिक अनुष्ठान उनका ज्ञान उसको संपन्न करने वाले व्यक्ति परमात्मा द्वारा प्रेरित होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, मत्तस्मृतिर् ज्ञानमपोहनम् च। भगवान से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। परमात्मा हर एक के हृदय में स्थित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। और जब कोई वैदिक ज्ञान में प्रबुद्ध होता है तो परमात्मा उसे निर्देश देते हैं। परमात्मा के रूप में कार्य करते हुए भगवान उपयुक्त व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने की प्रेरणा देते हैं, जिन्हें ऋत्विक कहते हैं। इसके लिए चार प्रकार के पुरोहित के रूप में इनका उल्लेख हुआ है, होता अधर्व्यु ब्रह्मा तथा उद्गाता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग हिरण्यकश्यपु के स्तुति को पढ़ रहे। ब्रह्मा जी सामने खड़े हैं, ऊपर खड़े हैं या हंस पर बैठे हैं, और हिरण्यकश्यपु उनकी स्तुति कर रहा है। हिरण्यकश्यपु भगवान का विरोधी था और भगवान से उसका इतना कड़ा विरोध था कि उनके संबंध से अपने पुत्र का भी विरोधी हो गया। वे अपने पुत्र से सबको स्नेह होता है, हिरण्यकश्यपु को भी स्नेह था, लेकिन चूंकि वो दुश्मन का पक्षपाती हो गया और इसलिए उसका भी विरोधी हो गया। और भगवान के विषय में भी उसका विचार है कि पहले भगवान ठीक था, सम था, भेदभाव नहीं करता था, लेकिन हमारे विरोधियों का पक्ष लेकर के, हमारे विरोधी जो देवता हैं, अब उनकी पैरवी सुन करके और हमारे भाई की हत्या कर दिया।
उसके दृष्टि में तो भगवान का बहुत भारी पतन हो गया, इस अर्थ में कि अब वो पैर पर पैरवी से प्रभावित होने लगा, कि इतना पतन हो गया कि एकदम बच्चे जैसे स्थिति हो गई। जैसे बच्चे को मिठाई दे दीजिए आपके पीछे चलने लगता है, तो वैसे ही देवता लोग कुछ पूजा पाठ कर दिए, उनका पक्ष ले करके हमारे भाई का हत्या कर दिया। अब भाई के हत्या से उसको शोक भी हुआ और क्रोध भी हुआ, उसको बहुत शोक था और अपने शोक को देख करके वो समझ रहा था कि हमारे परिवार के लोग भी बहुत शोकाकुल हैं, खास करके उसकी माँ हिरण्याक्ष की पत्नी, उसके पुत्र, सबको समझाने का प्रयास किया, उनको उनके शोक को दूर करने का प्रयास किया और बहुत सुंदर उपदेश दिया। कई के एपिसोड को, कई घटनाओं का उल्लेख करके, इतिहास को प्रस्तुत करके और ऐसा उपदेश दिया कि चित्तम तत्वे मधारयत, उन लोगों को ज्ञान हो गया आत्म तत्व का और वे शोक का त्याग किए। शोक तो दूर हो गया कुछ सीमा तक, लेकिन इसका क्रोध नहीं शांत हुआ और निर्णय लिया कि उसका वध करूंगा, और केवल ईश्वर का ही वध नहीं करूंगा, ये देवता जो हमारे विरोधी हैं तो इनको भी मैं ठीक कर दूंगा। तो कई एक तरह से विरोध का वह व्यवस्था बनाया, रणनीति तैयार किया, अपने सहयोगियों को आदेश दे दिया कि जहां यज्ञ होता है उस सामग्री को नष्ट कर दो, यज्ञ करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको नष्ट कर दो, देवताओं को भोजन ही नहीं मिलेगा, उनकी शक्ति तो ऐसे ही कम हो जाएगी। और सोच रहा है कि ना ये टेम्पोररी व्यवस्था नहीं करना है, ये तो अभी नष्ट करेंगे और फिर कोई आकर के इसी व्यवस्था को लागू कर सकता है, तो पूरा व्यवस्था को ही बदल देना है। व्यवस्था को बदलने के लिए तो पद चाहिए, तो सोचा कि जो व्यवस्था लागू करता है, ब्रह्मा ही लागू करता है ना, उसका पद लेना। अरे उसका पद कैसे ले लेंगे, वो तो कठिन है। सतजन्म भी पुमान, ब्रह्मा जी के पद के विषय में कहा गया है कि स्वधर्म निष्ठा सतजन्म भी पुमान विरिंचताम ऐति। जब 100 जन्म तक व्यक्ति निष्ठा पूर्वक अपने धर्म का पालन करता है तो ब्रह्मा जी के लोक या ब्रह्मा के पद को प्राप्त करता है। हिरण्यकश्यप के मन में तपस्या के बल का महत्व है, अरे तपस्या करके ब्रह्मा के पद को प्राप्त करना है, जो यह व्यवस्था बनाने वाला है उसके पद को प्राप्त करना है, अरे घोर तपस्या करना पड़ेगा। तो कह रहे कि इससे क्या हुआ, समय का क्या अंत है, समय तो बहुत है और आत्मा का तो नाश नहीं होगा। दो चीज है, सुलभ है ना, आत्मा का नाश नहीं होगा, शरीर ही बदलेगा ना, इस जन्म में तपस्या करेंगे फिर दूसरे जन्म में तपस्या करेंगे, और ऐसा तो नहीं है कि परीक्षा जैसा 3 घंटे का होती है, समय तो पड़ा ही हुआ है, जितना समय लगे और जितना जन्म लेना पड़े, लेकिन तपस्या करूंगा और अयथा विधा से यह जो नियम चल रहा है इसको बदल देना है। इस समय तो नियम है कि जो तपस्या करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यज्ञ करता है, तो उसको स्वर्ग दिया जाता है, उसको अगले जीवन में सुविधा प्रदान की जाती है, लेकिन ना यह नियम सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
इस समय तपस्या कर रहे हो, कष्ट भोग रहे हो, तो आगे भी और कष्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो तपस्या करने वालों को स्वर्ग नहीं मिलेगा, जो भोग में है व्यभिचार में उन्हीं को स्वर्ग देंगे। और तपस्या में वो लग गया, घोर तपस्या में। अब तपस्या में लगा तो देवताओं को फुर्सत मिल गई, वे लोग अपने घर को लौट गए। पहले तो स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वे लोग अपने आवास को प्राप्त कर लिए, आवास को प्राप्त कर लिए। लेकिन उसके तपस्या का ऐसा प्रभाव आया कि वे स्थिर नहीं रह सके। वो तो तपस्या कर रहा था मंदराचल के एक घाटी में, तो बहुत उसका भयंकर परिणाम आने लगा। ये कह रहे हैं कि वैसे तो पादांगुष्ट श्रितावनी, वो अंगूठे पर खड़ा होकर के आंख ऊपर करके तपस्या कर रहा था। अब इतना उग्र तपस्या किया कि उसके जटा से सांवर्तक सूर्य के समान किरण निकलने लगे। देखिए, तपस्या दो प्रकार का है, एक को उग्र तपस्या कहते हैं, एक को मृदु तपस्या। मृदु तपस्या करने से जगत में शांति आती, समृद्धि बढ़ती है। जैसे नर नारायण है तो जगत के कल्याण के लिए, जगत के समृद्धि के लिए तपस्या में लगे हुए, तो उनके तपस्या से जगत में शांति आती, समृद्धि आती है। लेकिन उग्र तपस्या करने से अशांति फैल जाती है, व्यक्ति बेचैनी महसूस करने लगता है। और हिरण्यकश्यपु इतना उग्र तपस्या किया कि उसके जटा से ही वो चिंगारी निकलने लगे, उसके आंख से चिंगारी निकल रहे थे और धुआं निकलने लगा, आकाश में भर गया। और अब उसके दृष्टि का इतना प्रभाव हुआ कि समुद्र का पानी खौलने लगा, सब प्राणी बेचैन हो गए। तो देवता लोग यद्यपि स्वर्ग को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं थी। अब संसार के बेचैनी को देख करके वे बहुत कठिनाई अनुभव करने लगे, और वे देख रहे थे कि हम लोग इसका समाधान नहीं निकाल सकते, तो ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी से संसार की स्थिति का वर्णन किए कि बड़ा बेचैनी फैल गया है, और हिरण्यकश्यपु के तपस्या का वर्णन किए और कहे कि आपके नियम को भी बदलना चाहते, आपका पद प्राप्त करना चाहता है। ये सब बात कह रहे हैं कि कम से कम ब्रह्मा जी में भी कुछ है, उसके प्रति निगेटिव एटीट्यूड आवे। और ब्रह्मा जी कहे कि तुम लोग चिंता मत करो, हम उसके उसको तपस्या से विरत करते हैं। ब्रह्मा जी वहां आए, और ब्रह्मा जी वो आए तो कहीं पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ वह है। उसका कारण था कि उसके शरीर में दीमक लग गए थे, और जहाँ दीमक लग जाते हैं तो वहां तो मिट्टी मिट्टी केवल दिखता है। अब पता नहीं कितने लोगों का अनुभव है, किसी वृक्ष के जड़ में दीमक लग जाते हैं तो वहां मिट्टी ही दिखता है। अरे, पुस्तक में दीमक लग जाते हैं तो अब तो ऊपर से केवल मिट्टी मिट्टी ही दिखने लगता है। तो ऐसे मिट्टी दिख रहा था, लेकिन उसके आंख के ज्योति से वे पहचान गए कि यही है, अपन अपने कमंडलों से जल छिड़के। यद्यपि उसके मांस को दीमक खा गए थे, लेकिन कमंडलू का जल छिड़के तो उसका प्रभाव हुआ कि खूब सुंदर शरीर में प्रकट हो गया, उसके अंग खूब गठीले हो गए और तपाए हुए सोने के समान उसके शरीर से कांति निकल रही थी। अब जब
वह सामने देखा तो ब्रह्मा जी वहां उपस्थित है। विलक्ष विस्मित प्राह हंसस्तम हंस वाहन, पहले उसको ब्रह्मा जी ही कहे कि उत्तुष्ट तिष्ट भद्रम ते तप सिद्धो सि काश्यप, कहे कि अरे तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, अब काहे को बेकार का कष्ट भोग रहे हो। वरदो हम अनुप्राप्तो ब्रियताम इप्सितो वरो, अब वर देने वाला मैं उपस्थित हो गया और जो तुमको वर मांगना हो मांग लो। और उसकी प्रशंसा करने लगे कि धैर्य तुम्हारे हृदय में मैं देखा, कितना धैर्य है कि तुम्हारे शरीर को दीमक खा गए हैं लेकिन प्राणाशिष्टिरते, तुम्हारे प्राण हड्डी में स्थित हैं। और ब्रह्मा जी कहने लगे कि ऐसी तपस्या कोई भी ऋषि पहले नहीं किए और बाद में भी नहीं करेंगे। अरे बिना पानी पिए, अब बिना पानी पिए तो भोजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तो कह रहे हैं कि दिव्य समा सतम, तुम देवताओं के हिसाब से 100 वर्ष तक तपस्या किया, तो बहुत भारी तपस्या, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारे द्वारा जीत लिए गए, तो तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। और कह रहे हैं कि हम प्रसन्न हैं, तुम पर कृपा करने के लिए आए हैं। मर्तस्य ते मर्तस्य दर्शनम ना फलम मम, ये जो साधारण व्यक्ति है तो उसको हमारा दर्शन नहीं होता है, तो हम कृपा करने के लिए आए हैं तुमसे प्रसन्न होकर के, और इसका लक्षण है कि प्रकट तुम्हारे सामने मैं उपस्थित हूँ। तो इस प्रकार कह करके और कमंडलू का जल छिड़के तो पूरा स्वस्थ हो गया और बाहर आया। सनिरीक्षाम्बरे देवम हंस बाह उपस्थित, अब ब्रह्मा जी को देख रहा है कि हंस पर वे स्थित हैं। ननाम शिरसा भूमो तत्दर्शन महोत्सव, ब्रह्मा जी के दर्शन से बहुत आनंदित हुआ, उसमें खुशी छा गई और सबसे पहले पृथ्वी पर लेट करके उनको प्रणाम किया और उत्थाय प्राञ्जलि प्रहण इक्षमाणो दृशा विभुम हर्षाश्र पुलकोद्भेद गिरा गदगदया गृणत। और ब्रह्मा जी को देख करके उनकी बात को सुन करके वो बहुत प्रसन्न है। अब है उसको इतनी प्रसन्नता है कि प्रसन्नता के कारण अश्रु विसर्जित हो रहे हैं, रोमांच हो रहा है और गदगद वाणी में ब्रह्मा जी के विषय में कहने लगा, उनकी स्तुति करने लगा। तो स्तुति में वह यह कह रहा है कि आप ही सृष्टि करते हैं, आप ही पालन करते हैं, तो जो भगवान का गुण है उन्हीं गुणों से वो ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है। तो हम लोगों का जो श्लोक है तो इसमें खास करके इस बात को कह रहा है कि सृष्टि का पालन करने वाले आप हैं और सृष्टि का पालन करने के लिए आप यज्ञ का विस्तार करते और परमात्मा रूप से लोगों को प्रेरित करते हैं। तो भगवान को पालकत्व के रूप में निरूपित कर रहा है, भगवान के पालकत्व को निरूपित कर रहा है और दो अंश को यहाँ वो प्रकाशित कर रहा है, दो अंश का उल्लेख कर रहा है कि आप यज्ञ का विस्तार किए। यज्ञ सृष्टि के पालन के लिए बहुत आवश्यक है, यज्ञ करने से समृद्धि बढ़ती है, इसी से भगवान यज्ञ का विधान किए। आप गीता में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि किए, प्रजा के सृष्टि किए, लेकिन सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा,
यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि की है, मतलब ऐसी प्रजा की सृष्टि की है जो यज्ञ का अनुष्ठान करते और उनसे कहे पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वत्वम ऐसा वो तुष्ट कामदूत, कहे कि यज्ञ से तुम समृद्धि को प्राप्त करो। यज्ञ तो देखने में लगता है कि ये तो एक्सपेंसिव है, ये तो व्यय हो रहा है, तो वास्तव में व्यय होता है लेकिन व्यय तो करना पड़ता है लाभ के लिए। हम तो देखते हैं कि पहले लोग अपना पैसा ही किसी को दे देते हैं, कहीं पूंजी का निवेश करते हैं तब लाभ मिलता है, तो उसी तरह कुछ लोग कंजूसी करते हैं दान देने में यज्ञ करने में, लेकिन उनकी दृष्टि सीमित है। दान करने से यज्ञ करने से समृद्धि बढ़ती है, वो कई एक गुना बढ़ करके आता है। अब जो दान का यज्ञ का विरोध करते हैं तो उनकी दृष्टि वही है जैसे कोई किसान है और अपने बीज को ले जा करके खेत में डाल देता है। फिर धान की खेती करनी है तो एकदम कीचड़ में ले जा करके बीज को फेंक देता है। देखें आप लोग, अब कोई कह कर कितना मूर्ख है, फिर घर का धान जिसे चावल बन सकता है उसको ले जा करके कीचड़ में फेंक रहा है, लेकिन वो किसान मूर्ख नहीं है, वो कीचड़ में फेंक रहा है तो कई एक गुना वो बढ़ करके आएगा। तो उसी तरह भगवान व्यवस्था दिए, यज्ञ करने से समृद्धि बढ़ती, और भगवान इसके लिए बहुत बहुत व्यवस्था बनाए और कह रहे हैं कि तुम सप्त तंतुन वितनो से तन्वा त्रैया चतुर्होत्रक विद्या च। भगवान यज्ञ का विस्तार करते, कैसे विस्तार करते हैं, तन्वा अपने शरीर से, अपने शरीर से वे यज्ञ का विस्तार करते हैं। वे शरीर से कैसे करते हैं, त्रैया वेद ही उनका शरीर है, तो वेद से वे यज्ञ का विस्तार करते हैं। सप्त तंतु विस्तार का संकेत कर रहे हैं, तंतु तंतु का अर्थ ही विस्तार के रूप में होता है, तो जो सात प्रकार से विस्तार करते सप्त तंतु और चतुर्होत्रक विद्या च, कह रहे हैं कि अपने वेद अपने शरीर वेद से आप यज्ञ का विस्तार करते हैं, और केवल वेद का विधान ही नहीं आप दिए हैं बल्कि चतुर्होत्रक विद्या च, ये जो चार प्रकार के ऋत्विक हैं तो उनके द्वारा और उनका जो ज्ञान है उसके द्वारा आप ही यज्ञ का विस्तार कर रहे हैं। वे ज्ञान तो प्रदान किए हैं और कह रहे हैं कि यज्ञ करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। त्वमेक आत्मात्मवताम अनादि रनंत पार कबीर अंतरात्मा, कि अंतरात्मा दो बार आया है, भगवान अंतरात्मा है, सबको चैतन्य शक्ति दे रहे हैं, सबको प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन आत्मवताम आत्मा खास करके जो अमनस्क है, जिनका चित्त शुद्ध हो गया है और जो यज्ञ करना चाहते हैं तो भगवान डायरेक्ट उसको प्रेरित करते हैं। देखिए भगवान परमात्मा के रूप में एक एक प्राणी के हृदय में है, लेकिन जब प्राणी उनसे उदासीन रहता है तो वह भी साक्षी बने रहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति परमात्मा के तरफ उन्मुख होता है, उनसे संबंध जोड़ता है, उनका अनुभव करता है, तो परमात्मा भी डायरेक्ट उसको प्रेरणा देने लगते हैं। तो जो यज्ञ करने वाले हैं तो उनको भगवान प्रेरणा भी देते हैं। और
इस श्लोक में मुख्य रूप से इसी बात को कह रहे हैं कि आप यज्ञ का विधान करके और परमात्मा के रूप में प्रेरणा दे करके जगत का पालन कर रहे हैं। तो यज्ञ के विस्तार की बात को कह रहे हैं कि तन्वा त्रया चतुर्होत्रक विद्या च, अपने वेद रूप शरीर से और जो ऋत्विक है उनके द्वारा आप यज्ञ का विस्तार कर रहे हैं। सप्त तंतु, सात प्रकार के यज्ञ का। अब सात प्रकार के जो यज्ञ है तो इसका क्या स्वरूप है हमको तो पूरा पता नहीं है, लेकिन ये सात प्रकार के यज्ञ का उल्लेख किया जाता है। अग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, आप्त, उरिया, अतिरात्र। ये यज्ञ के विधाएं हैं। यज्ञ कई एक प्रकार के हैं, खास करके सात प्रकार के यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है। तो कह रहे हैं कि आप ऋत्विकों के द्वारा और वेद विधान के द्वारा सात सात प्रकार के यज्ञ का विस्तार करते हैं, इससे समृद्धि बढ़ती है, पालन होता है। और जो वेद में भगवान का वर्णन किया गया है कि सत्यम ज्ञान मनंतम इति, वेद में भगवान के निरूपण के लिए तीन शब्द दिया गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो इसी अंश के व्याख्या कर रहा हिरण्यकश्यपु, कह रहा है कि त्वमेक आत्मात्मवताम अनादि रनंत पार कबीरंतरात्मा, कि भगवान के लिए कह रहा है कि अनादि, अनादि का अर्थ है कि काल से अपरिच्छिन्न है। ऐसा नहीं है कि भगवान इस समय है और दूसरे समय नहीं रहेंगे, काल उनको नहीं काट सकता, और देश से अपरिच्छिन्न है। तो इसको कह रहे हैं कि अनंत पार, अनंत, अंत जिसका नहीं है और पार जिसका नहीं है, उसको कहा जाएगा अनंत पार। तो भगवान देश से परिच्छिन्न नहीं है, काल से परिच्छिन्न नहीं है और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं। और इसी को कह रहे हैं। तो इससे ये जो अंश है कि भगवान अनादि हैं या अनंत अनंत हैं, इसकी व्याख्या करें। अनादि कह रहे हैं और कवि भगवान परम ज्ञाता है, ज्ञानम भगवान की विशेषता है कि उनका ज्ञान कभी ढकता नहीं है। जीव को भी ज्ञान है लेकिन जीव का ज्ञान अविद्या से ढक जाता है, लेकिन भगवान का ज्ञान कभी अविद्या से ढकता नहीं है। और ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा है, सदैव रहते हैं, इसलिए वे सत्य। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा। देखिए अभी बहुत लोग मौन है, क्लास चल रहा है, क्लास के खत्म होते ही प्रश्न करेंगे। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है और सब गुणगान भगवान की कर रहा है। जो वेद स्वरूप भगवान है तो सामने खड़े हैं ब्रह्मा जी, उनसे बोल रहा है और सब ब्रह्मा जी पर लागू कर रहे भगवान के गुण को। और इस विषय में दो चीज ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मा जी हैं तो उनके अंत भीतर परमात्मा भी है ना, ब्रह्मा जी के भीतर भगवान भी है ना, तो शरीर और आत्मा को लपेट करके सब बोल रहा है। दोनों को अभेद भेद समाप्त करके बोल रहा है। या दूसरा सिद्धांत है कि कैसे गीता का श्लोक है, सर्वार्थान विपरीतांश्च तत्तामस उदाहृत,
ये तमोगुण का लक्षण दिया गया है तो ठीक ठीक अर्थ नहीं कर पाते, वे शास्त्र की व्याख्या भी उल्टा ही करते हैं। तो असुर स्वभाव का है, तमोगुण में लिप्त है, इसलिए थोड़ा घुमा फिरा करके वो उल्टा पुल्टा बोल रहा है। तो यह सिद्धांत समझना चाहिए, दो रूप में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के भीतर है तो अब शरीर और आत्मा को एक करके ही दोनों को मिला करके भी बोल रहा है, तो भगवान का भी गुण बोल रहा है, ब्रह्मा जी का भी गुण बोल रहा है। और नहीं तो वह तामसी वृत्ति में है, उसका ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन जो हो, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान सृष्टि का पालन कर रहे हैं और इसमें यज्ञ के रूप, यज्ञ का प्रवर्तन करके और परमात्मा के रूप से प्रेरणा करके वे जगत का पालन करते हैं। यह तथ्य इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। ठीक है, वो गीता में तीन गुण का वर्णन किया गया है ना, तो तमोगुण का क्या प्रभाव आता है? तमोगुण के वृद्धि होने पर ज्ञान ढकता है ना, तो असुर है तो उसका ज्ञान ढक गया है। हाँ, भक्ति योग तो सबसे बड़ा यज्ञ है। भक्ति योग इतना बड़ा यज्ञ है कि इससे वो दोनों प्रकार के पालन हो जाएगा, ये भौतिक सुख सुविधा भी प्राप्त होगी और आत्मा का भी पोषण होगा। भक्ति योग की यही विशेषता है कि शरीर के संसाधन भी प्राप्त होंगे और आत्मा का भी उद्धार होगा। भक्ति योग सबसे बड़ा यज्ञ है, लेकिन इस यज्ञ का अनुष्ठान बुद्धिमान लोग करते हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति सुमेधस। ये जो प्रश्न किए हैं, ब्रह्मा जी को मैसेज लिखे थे पहले, इनको मैसेज पहले ही लिखना चाहिए था ना कि उसके हृदय को भी शुद्ध कीजिए, उनसे पूछे को मैसेज लिखे थे। ब्रह्मा जी भगवान के सेवक हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं। भगवान पहले ही बोल चुके हैं कि भले ही वो साप से, वरदान से उर्जित है, लेकिन भक्त से द्रोह करेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि वे देवता हैं या अपने स्वर्ग लोक के वासी हैं और ब्रह्मा के दर्शन के लिए इतना घोर परिश्रम करना पड़ा, और हम लोग तो मर्त्य लोक में है, हमारी क्षमता भी बहुत कम है और भगवान तो ब्रह्मा से बहुत ऊपर है, तो क्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं?
एक उदाहरण से इस बात को समझिए कि जैसे दिल्ली एक शहर है और एक फरीदाबाद है, तो फरीदाबाद से दिल्ली किसी को जाना है और एक व्यक्ति न्यूयॉर्क में है या चेन्नई में है और चेन्नई से दिल्ली आना है, तो एक व्यक्ति पैदल फरीदाबाद से चलना प्रारंभ किया दिल्ली पहुंच जाएगा, लेकिन भाई परिश्रम तो लगेगा ही। लेकिन एक व्यक्ति चेन्नई से फ्लाइट से आवे तो दिल्ली हो सकता है कि फरीदाबाद से जो पैदल चला है उससे पहले पहुंच जाए, ये संभव है। तो उसी तरह ये साधन ऐसा दिया गया है कि देवता लोग वो प्रार्थना करते हैं, स्पृहा करते हैं कि भारत में जन्म हम लोगों को हो गया होता तो हम लोग क्षणे न ये क्षणभंगुर शरीर से ही एक जीवन में ही भगवान को प्राप्त कर लेते। देवता लोग ही प्राप्त करते हैं भगवान को, लेकिन जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तो कुछ कुछ देवता उन्हीं के साथ भगवान के धाम में चले जाते हैं। लेकिन भक्ति योग की विशेषता है, वैष्णवों की विशेषता है कि बस इस जीवन के बाद ही सीधे भगवान के धाम में चले जाते हैं। और प्रश्न आप सही विकल्प उठाए हैं, लेकिन खास करके भारत की ये महिमा है, मनुष्य जीवन की महिमा है और भक्ति की महिमा है कि जोगैर मनुष्या अधियंत हित्वा गुणेश बुद्ध्या कवयो बदंती। यदि सही मार्ग का अवलंबन करे गुणेशु इसी शरीर में या इसी प्रपंच में अपने घर गृहस्थी में रहते हुए अधियंत हित्वा आपको प्राप्त कर लेते हैं, आपसे बात करते हैं, आपका निरूपण करते हैं, उपाय सही होना चाहिए। और यही भगवान के नाम की महिमा है, भारत की महिमा है। उसमें भी जो वृंदावन आकर के और भक्ति योग का आचरण करे तो अवश्य ही भगवान को प्राप्त करेंगे। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, दूसरे बोल दे। इनका प्रश्न है कि हमारे हृदय में परमात्मा है, हिरण्यकश्यपु के हृदय में भी परमात्मा थे। जैसे हिरण्यकश्यपु परमात्मा को देख नहीं रहा, उनका अनुभव नहीं कर रहा, हम भी नहीं अनुभव कर रहे हैं, तो क्या हम भी हिरण्यकश्यपु हैं? देखिए, आप हिरण्यकश्यपु के दिशा में जाएंगे तो आप भी हिरण्यकश्यपु हैं, जितना उस दिशा में जाएंगे उतना हिरण्यकश्यपु है। परमात्मा के विषय में इसी श्रीमद्भागवतम में देवताओं की उक्ति है, यतशान बंधे सतदेह गेह ममाह मृत्यु दुराग्रहाणम पुंसाम दूरो बसतो पिपुरिया। कि यद्यपि आप पुरी में ही निवास करते, हृदय में ही, लेकिन सुदूरम आप बहुत दूर हैं। क्यों, किसके लिए? यतशान बंधे सतदेह गेह ममाह मृत्यु दुराग्रहाणम असती देह गे है, ये शरीर तुच्छ है, नष्ट होने वाला है, और शरीर ही तुच्छ है, नष्ट होगा, इसका वियोग हो जाएगा, इसे संबंधित जो भी चीज है असती देह गे है। अब देह और गे उपलक्षण है, तो इसी में जिसका अहम और मम बहुत ऊढ़ है, जो देहात्म बुद्धि में है और देह से संबंधित चीजों में बहुत आसक्त है, तो उस व्यक्ति के लिए परमात्मा बहुत दूर है। तो सामान्य स्थिति यह है, लेकिन हिरण्यकश्यपु की स्थिति थी कि वह परमात्मा से केवल दूर ही नहीं था,
वह बल के परमात्मा से विरोध कर रहा था, उनको मारने के फेरे में था। तो हम लोगों और हिरण्यकश्यपु में इतना अंतर है कि सामान्य लोग भगवान को मारने के फेरे में नहीं है, वे अज्ञान वश भूले हुए हैं, अपने घर गृहस्थी में पड़े हुए हैं, भगवान को नहीं देख रहे हैं। तो वे भगवान से दूर हैं, लेकिन सबको हिरण्यकश्यपु नहीं कह सकते। इस अर्थ में कि हिरण्यकश्यपु जैसा सबको भगवान से द्वेष नहीं है, उनके खिलाफ कोई व्यवहार नहीं कर रहा है। वो तो बेचारा माया में पड़ा हुआ है, भूला हुआ है, बल्कि कोई याद दिला देता है तो भगवान को नमस्कार करता है, उनके प्रति बढ़ना चाहता है, उनसे प्रेम करना चाहता है। तो अब इस दृष्टि से विचार करें तो हम लोग हिरण्यकश्यपु नहीं है। हाँ, भगवान ने रावण का, हिरण्यकश्यपु का, अच्छे-अच्छे राक्षसों का भी उद्धार किया। हाँ, और अच्छे-अच्छे भक्तों का उद्धार किया। हाँ, कि हम लोग बीच वाले जो है उनका, उन्हें क्या पाप किया, उनको नहीं, बीच वालों का भी उद्धार किए हैं, वो बीच में करेंगे ना, उसमें समय लगता है। उन लोगों का जल्दी कर देते हैं, बीच वालों का थोड़ा देर में करते हैं। आपका भी उद्धार करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, धैर्य रखिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद क्या कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। ठीक ठीक है, थी, धैर्य नहीं है ना, हृत्साराम, उत्साह और धैर्य की कमी है। इसी से रूप गोस्वामी बोले हैं ना कि ये सब बढ़ाना चाहिए।